अरब और खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुजाज मुकद्दस में मनासिक हज की अदायगी हुजाज कराम कुर्बानी करके सर मुंडवाकर अहराम खोल देंगे। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। मुल्क में कोरोना के जानलेवा हमले मजीद तेज़ हो गए। 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस 7 अफराद की जान ले गया। एक दिन में 732 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.24% रिकॉर्ड। 158 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में सावन रोते इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। हरिपुर और गिरदनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार। आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। सवात में भी बारान रहमत। कराची में आज फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ईद के तीनों दिन शहर में बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। बारिश का पानी घरों में दाखिल। अहम शहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई मबाद चौरंगी से कोरंगी जाने वाली सड़क बंद। कोरंगी कॉजवे भी अब तक बंद। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब से पहले सियासी पारा हाई। इमरान खान के खुशाब और कोहोटा में पावर शो। बोले दोनों जमातें सियासी पार्टी नहीं माफियाज हैं। हमने ईवीएम मशीन लाने की कोशिश की जिसे इन चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नाकाम बनाया। लाहौर में मिस्टर एक्स इलेक्शन में धांधली का प्लान बना रहा है। तुम धांधली तो क्या धांधला कर लो फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सकोगे। बलोचिस्तान में मानसून की तबाहकारियां। चमन किला अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। कई कच्चे मकान तबाह। डैम्स में शगाफ। राबता सड़कें और पुल बह गए। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में जान बहक अफराद की मजमू तादाद 56 हो गई। 57 जख्मी। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। खेमा बस्तियाँ कायम। झम्पी रेलवे ट्रैक मुतासिर होने के दो रोज़ बाद भी पाकिस्तान रेलवेज़ का ट्रेन ऑपरेशन बहाल न हो सका। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले मुसाफिर रुल गए। कई घंटों से प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई ट्रेनें 25-25 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली 3 ट्रेनें मंसूख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।